यह फैसलाबाद शहर का अहम तरीन हलका NA-103 जो पहले NA-107 हुआ करता था। यहाँ सियासी बसात भी माजी की नस्बत कुछ तब्दील नजर आ रही है। इस बार इस हलके से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाजी अकरम अंसारी के मद्दे मुकाबल आजाद उम्मीदवार अली सरफराज अपनी किस्मत आजमाएंगे। इस हलके में गुलाम हमदाबाद, कुकियावाला, अफगानाबाद, रजाबाद, मदनपुरा, गुलबर्ग, जिनाकलूडी समेत दीगर शहरी इलाके शामिल हैं। हाजी अकरम अंसारी कई बार इस हलके से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं और इस बार भी पुर उम्मीद नजर आते हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला अगर महंगाई को कम करने के लिए हम मईशत को इतना मजबूत करेंगे कि अगर हमें आवाम को सब्सिडाइज करना पड़े तो सब्सिडाइज करके वो पैसे जो हैं वो हम देंगे और इंशाल्लाह ताला सब्सिडाइज करके अवाम को सस्ती चीज़ें जो हैं वो फराहम करेंगे। पीपल पार्टी से राना मुबशर हसन, जमाती इस्लामी से राना अफजाल शहीन, TLP से मोहम्मद गुलाम रसूल मद्दे मुकाबिल होंगे। पीपल्स पार्टी की मुकामी क्यादत भी पुर उम्मीद है। रहनुमा इंतजार अदीर ताज कहते हैं कि पीपल्स पार्टी इकदार में आकर अवाम दोस्त मनसूबे देगी। इस बार जो इस टाइम में स्कूल नहीं जाते उनके लिए मेरी तलीम का वादा किया है, मेरी सेहत सहूलियात इसमें हर गांव गली गली में मेरी सेहत मुहैया होगी। इसके बाद काबले तजीज तवानाई के इकदाम जो उन्होंने एक वादा किया है कि 300 यूनिट तक फ्री होंगे। NA-103 में 8 फरवरी को बड़ा इंतखाबी दंगल सजेगा जिसके लिए इंतखाबी मुहिम जोरों से जारी है। दूसरे हलकों की तरह NA-103 में भी इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ने लगी। कई पुराने तो कुछ नए उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। हलका की आवाम नुमाइंदगी का हक किसको देंगे, ये फैसला 8 फरवरी को होगा।